पीलीभीत में एक युवक पर पहले युवती से जबरदस्ती बलात्कार करने व बाद में शादी का झांसा देकर शोषण और फिर युवती के अश्लील फोटो इंटरनेट पर डालने का आरोप लगा है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुटी है। बताया जा रहा है कि कोतवाली पूरनपुर के शेरपुर गांव में 19 वर्षीय युवती के साथ पड़ोसी युवक ने बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया और बाद में शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाता रहा। युवती ने जब शादी की ज्यादा जिद की तो युवक उसे गन्ने के खेत में ले गया और उसके अश्लील फोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल दिए। परिजनों को जब दूसरे लोगों से फोटो के बारे में पता चला तो परिजन युवती को लेकर थाने पहुंचे और आरोपी नदीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। युवती का कहना है कि आरोपी ने इंटरनेट पर फोटो डाल दिए हैं जिससे उसकी काफी बदनामी हो रही है। फिलहाल रिपोर्ट दर्ज करके बाद में पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। का लड़का था वो मेरे मुझसे बात करता था। एक दिन मैं पूरनपुर जा रही थी, वो जबरदस्ती ले गया। कई बार तो मेरे साथ उनने रेप करा और फिर मुझे वहाँ पर ले गया कि गैलिया दरगाह शरीफ पर चले, पर वो लेके नहीं गया। फिर वो उधर सुनसान की जगह थी, गन्ने के खेत में वो ले गया। उनने साथ मेरे साथ फिर रेप किया और फिर उनने मेरे फोटो बोला था कि अगर तू किसी से कहेगी तेरा फोटो वायरल कर दूंगा। उनने सब में मेरे फोटो वायरल कर दिए। बात को मैंने उससे बोला कि तूने जो क्या किया, तो कह रहा था कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझसे शादी करूंगा। जब बात मेरी अम्मी को पता चली, मेरी अम्मी उसके घर गई तो उन्होंने मेरी माँ को भगा दिया बुरा भला कह के, और फिर और उसका नारा उन्होंने भगा दिया है। इसकी शिकायत करी आपने? हाँ, मैंने पूरनपुर कोतवाली में भी की थी उसकी शिकायत। नदी मैं जहाँ पर भी जा रही, मैं लड़के जब मेरी बेटी को ये लेके गया, मैंने अपने लड़के कौन लेके गया, नदीम शेरपुर का लड़का। और जब मैं अपनी बेटी को, मेरी बेटी गई पूरनपुर सामान खरीदने के लिए, इनने गाड़ी लगाई जो वहाँ से ले गया उसको, ले जाके बोला कि हम इसको ले गया कि दरगाह पे ले जा रहे हैं, वो ले जाके फिर उसके साथ में इनने गलत संबंध अपने करे करके और उसके बाद में उसको छोड़ दिया कि तू जा। उसके बाद में उससे बाहर से फोटो करवाए सारे मोबाइलों पे। जब मैंने सब वहाँ कंपनी मलीगढ़ देखा सबके मोबाइलों पर फोटो, तब मैं यहाँ पर आई उसके घर पे गई। इसके घर वालों ने मुझे मार के भगाया, बोले तेरी औकात क्या है जो हम तेरी लड़की शादी करें, और हम तो 2-4-5 लाख रुपया भी खर्च कर देंगे। और पुलिस में मेरी यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं की। मैं यहाँ भी गई और पीलीभीत में पहुंची, सब मेरी वहाँ भी सुनवाई नहीं करी। आज मैं वहाँ पहुंची पूरनपुर। क्या कहा? तो दरोगा जी बोले कि ऐसा है, वो तो शादी नहीं करना चाह रहा है। तो हमने कहा जब शादी नहीं करना चाह तो कुछ तो हमें इंसाफ मिलेगा। रिपोर्ट दर्ज हुई या नहीं हुई? अभी नहीं करी सर। फिर क्या करेंगे आप? हम क्या करेंगे, हमें इंसाफ चाहिए अपनी लड़की का। अगर ऐसे रहा तो हमारी और भी लड़की है। सर, एक लड़की का आरोप है कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसके अश्लील फोटो वायरल कर दिए और धमकी देके फिर रेप का मामला, किस तरह का मामला है, पुलिस ने क्या कार्रवाई? ये थाना पूरनपुर क्षेत्र का प्रकरण है। इसमें जो विक्टिम है उसने जो आरोप लगाया उसके एप्लीकेशन पर प्रथम दृष्टया FIR दर्ज कर ली गई है और दोनों मेजर हैं और विवेचना प्रचलित है। इसमें जो आरोप लगाया है कि वो शादी करना चाहता था और बाद में फिर रिलेशन रहे फिर शादी से इनकार कर रहा है, इस टाइप के और अन्य कई आरोप हैं जिस पर समुचित धाराओं में FIR दर्ज करके विवेचना की जाए।